इनसाइट्स एंड आस्क इंटेलिजेंस फीचर इन GA4। दोस्तों गूगल एनालिटिक्स 4 में ये जो आस्क इंटेलिजेंस का जो फीचर है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो इनसाइट्स हमें GA4 से मिलते हैं इनसे भी हम बहुत ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं अपने बिजनेस की स्ट्रेटेजी बनाने के लिए। हमारे बिजनेस में क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या नया हो रहा है, क्या घट रहा है, क्या बढ़ रहा है और बहुत सारी चीजें हम एनालाइज कर पाएंगे। तो ये फीचर बहुत ही ज्यादा यूनिक है, अच्छा है, नया है और बहुत ज्यादा ये आपके बिजनेस को ग्रोथ दे सकता है अगर आप इसको सही से समझे और इसकी जो इनसाइट्स को लेके अगर आप इसको अपने बिजनेस में अप्लाई करते हैं तो आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और गूगल एनालिटिक्स 4 के साथ साथ अगर आप कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हो बिना पैसा लगाए फ्री ऑफ कॉस्ट तो आप सीख सकते हो हमारे चैनल से, बिकॉज ऑलरेडी हमारे चैनल पे 1000 से ज्यादा नए वीडियोज हैं विद लेटेस्ट कंटेंट और आने वाले एक साल के अंदर 1000 और नए वीडियोस लेकर आ रहे हैं ताकि आप लोगों को इनडेप्थ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलती रहे। तो तुरंत चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं कराया तो, चलते हैं और सीखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज कोचिंग कंसल्टेंसी लेने के लिए वेबसाइट marketingfundas.com पे आप जा सकते हो या कॉल कर सकते हो। तो दोस्तों आज हम आपको गूगल एनालिटिक्स 4 में इनसाइट फीचर्स के बारे में बताएंगे। ये जो फीचर्स हैं ये सिर्फ आपको गूगल एनालिटिक्स 4 में मिलेंगे, ये GA3 के अंदर या गूगल यूनिवर्सल एनालिटिक्स में नहीं हुआ करता था बट GA4 में है और ये बहुत ही यूजफुल फीचर है जिसका आपको यूज करना है। दोस्तों पहले समझते हैं कि इनसाइट फीचर्स हैं क्या। इट इज अ सेट ऑफ फीचर्स जो यूज करते हैं मशीन लर्निंग और कंडीशंस जो आपके द्वारा कॉन्फ़िगर करी जाती है अंडरस्टैंड करने के लिए कि आपका जो डाटा है वो कैसे एक्ट कर रहा है। तो एनालिटिक्स इंटेलिजेंस प्रोवाइड्स टू टाइप्स ऑफ इनसाइट्स। एक्चुअल में ये एनालिटिक्स की इंटेलिजेंस है जो मशीन लर्निंग के थ्रू आ रही है और इसमें दो तरीके की इनसाइट्स आपको मिलती हैं, पहली ऑटोमेटेड इनसाइट, दूसरी कस्टम इनसाइट्स। ऑटोमेटेड इनसाइट्स वो हैं जो आपकी वेबसाइट, जो आपके डाटाबेस, जो आपके अकाउंट के बेसिस पे गूगल एनालिटिक्स खुद जनरेट कर करके देता है, और कस्टम इनसाइट्स वो है जो आप यहाँ पर कस्टम इंस्ट्रक्शंस देते हो और क्रिएट करते हो कि उसमें आपको उन्हीं जो आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो उसी के बेसिस पे डाटा मिले, इनसाइट्स मिले। अब हम डैशबोर्ड में चलते हैं रिपोर्ट्स में। जब हम रिपोर्ट्स में जाते हैं तो रिपोर्ट्स में हमारे सामने जो ऑप्शन आता है ऊपर आप देख सकते हो, इधर रिपोर्ट स्नैपशॉट का भी ऑप्शन है और यहाँ पर राइट हैंड साइड पे आप इनसाइट्स देख रहे हो, इधर क्लिक करेंगे व्यू ऑल इनसाइट्स पे। तो जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे विजिट्स आ जाएंगे और ये क्या है, बेसिकली ऑटोमेटेड जनरेटेड इनसाइट्स हैं, अलग अलग इवेंट्स या अलग अलग जो एक्टिविटीज आपके अकाउंट में हो रही हैं जो डाटा गूगल के पास आ रहा है। अब दोस्तों ये एक्चुअल में है क्या, ये हमें वो अनएक्सपेक्टेड या अनयूजुअल चेंजेस के बारे में बताते हैं जो हमारी वेबसाइट में हो रहे हैं या जो हमारे यूजर्स पे हो रहे हैं या लोकेशन अलग अलग के हिसाब से। इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये सारी ऑटोमेटेड इनसाइट्स हैं। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं इस वाले इनसाइट के ऊपर पहले, तो यहाँ पर आप देखो यूजर्स फॉर कैंपेन फ्रॉम सोर्स गूगल एंड मीडियम ऑर्गेनिक, मतलब जो यूजर्स हमारे गूगल के ऑर्गेनिक जो ट्रैफिक से आते हैं, सोर्स गूगल हो गया और मीडियम क्या ऑर्गेनिक के, मतलब गूगल के, गूगल से आए हैं ऑर्गेनिक मीडियम के थ्रू, कोई पेड एक्टिविटी नहीं करी, वो एकदम से ही बढ़ गए, मतलब स्पाइक हो गए, मतलब एकदम से ही बढ़ गए। ठीक है, तो यहाँ पर आप राइट हैंड साइड पे देख सकते हो, ये यहाँ पर दिखा रहा है फ्रॉम 3 अप्रैल टू 9, मतलब इतने दिन के अंदर जो ये डाटा आया है ये एक्सपेक्टेड था गूगल के द्वारा कि लगभग 4000 से 11000 के आसपास हो सकता है, बट एक्चुअल जो रिजल्ट आया वो 12600 कुछ है। तो इसका मतलब ये एकदम से तेजी से स्पाइक हुआ। नॉर्मली आप देखो कि लगभग 5000 4000 6000 आते थे और एकदम से इसने डबल से ज्यादा का स्पाइक मारा, मतलब यूजर्स आए। तो ये एकदम से अनयूजुअल एक्टिविटी हुई, ठीक है, तो चेंज हुआ, तो ये हमें ऑटोमेटेडली इसने अपने इनसाइट फीचर्स के अंदर दिखा दिया। तो इसी तरीके से कोई भी चीज अब गूगल से ऑर्गेनिक जो है वो कन्वर्जेंस एकदम से हाई, मतलब 36.15%। तो ये 1 मार्च से 31 मार्च तक का डाटा दिखा रहा है कि इस डेट रेंज के बीच में जो गूगल के थ्रू ऑर्गेनिकली विजिटर्स आए थे उनके थ्रू जो कन्वर्जेंस हुए वो इतने परसेंट ज्यादा हुए।
तो ये भी एक अनयूजुअल था, क्योंकि यूजुअली क्या होता है 2-4-5-10% का ऊपर नीचे होता है, यहाँ पर एकदम से बहुत ज्यादा डिफरेंस आया तो इसने हमें यहाँ पर शो करा। ऐसे अगर कोई डाउनफॉल होता है, मान लो यहाँ पर आप देख सकते हो कि व्यूज फ्रॉम स्क्रीन क्लास, ठीक है, जो गूगल मर्चेंडाइज स्टोर है, जो स्क्रीन जो ग्लास के थ्रू जो भी व्यूअर्स आए, ठीक है, जो लोग आए, तो जो ऐप के थ्रू जो भी लोग आए, तो वहां पर ये ड्रॉप हुआ एकदम से। तो यहाँ पर हम एक बार क्लिक करते हैं, ये 27 मार्च से 2 अप्रैल का डाटा दिखा रहा है। तो जो हम देख सकते हैं, जो यूजली तो क्या है वो 1100 से 6000 के बीच का है कि इतने ऐप से आते हैं, मगर एकदम से क्या हुआ कि 1000 के आसपास आए, तो जो नॉर्मल रेंज है उससे बहुत कम आए। तो ये जो अनयूजुअल एक्टिविटी है, जो मेजर चेंज आया है, ये इसने इसमें ऑटोमेटेड इंसाइट्स में हमें दिखा दिया। तो ये फायदा होता है ऑटोमेटेड इंसाइट्स का, जो हमें हमारी वेबसाइट की इंपॉर्टेंट इंसाइट्स देता है, जिसके लिए हमें बहुत ज्यादा रिपोर्टिंग में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। मेजर मेजर जो चीजें हैं ये हमें पहले ही दिखा देता है। अब यहाँ पर आप चाहो तो अपनी इंसाइट कस्टम भी कर सकते हो, खुद भी कस्टमाइज कर सकते हो, तो ये आप बहुत इजीली आसानी से कर सकते हो। अब हम बात करते हैं जो हमारा है आस्क एनालिटिक इंटेलिजेंस। अब आस्क एनालिटिक इंटेलिजेंस क्या है कि वो सवाल जो एक यूजर गूगल से पूछना चाहता है, जिनकी बारे में या जिनकी जानकारी वो चाहता है। अब जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, कई सवाल हैं, ट्रेंड ऑफ मंथली यूजर्स लास्ट ईयर, व्हाट डिवाइस आर यूज्ड द मोस्ट। तो यहाँ पर जब आप देख, मैं क्लिक करता हूँ व्हाट डिवाइसेस आर यूज्ड द मोस्ट, तो यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमें डाटा दिखा रहा है कि 6 अप्रैल से लेके 12 अप्रैल के बीच में क्रोम इतने लोगों ने यूज करा। ऐसे अलग अलग इन्होंने डिवाइसेज और वो दिखाए कि ये इतने लोगों ने यूजर्स द्वारा यूज करा गया। तो ऐसे सवाल हम देखते हैं ना, तो इन आस्क इंटेलिजेंस फीचर यहाँ पर प्री डिफाइंड क्वेश्चंस वी कैन आस्क। ये गूगल एनालिटिक्स हमें खुद ये क्वेश्चंस देता है और उसमें से जो क्वेश्चंस हमें लगता है कि हमारी क्यूरियोसिटी है या हम जानना चाहते हैं, हमें इसका जवाब नहीं पता, तो वो हम जाके क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पर सजेशन क्वेश्चंस और भी हैं। जब आप सजेशन क्वेश्चंस पे क्लिक करोगे तो बेसिक परफॉर्मेंस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। व्हाट आर माय टॉप इवेंट्स बाय यूजर्स, इसका मतलब है कि मेरे जो यूजर्स हैं वो सबसे ज्यादा क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, क्या इवेंट्स कर रहे हैं, तो पेज व्यू सबसे ज्यादा हो रहे हैं, फिर सेशन, फिर यूजर एंगेजमेंट इतने लोग कर रहे हैं। ऐसे करके आप अपने वो सवाल, वो बातें जान सकते हो जो एक्चुअल में हर यूजर, हर पर्सन जानना चाहता है अपने बिजनेस से रिलेटेड। व्हाट आर माय बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स, तो अगर मान लो आपका ई कॉमर्स स्टोर है तो आप ये जानना चाहोगे ना कि आपका बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट कौन सा है, ठीक है, तो वो फिर ये यहाँ पर हमें दिखाएगा कि ये आपका बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर आपको कोई सवाल जानने हैं तो यहाँ पर भी व्हाट प्लेटफॉर्म्स आर यूज्ड द मोस्ट, तो जो प्लेटफॉर्म सबसे ज्यादा यूज होते हैं फिर आप उन्हीं को टारगेट करो, उन्हीं को बढ़ाओ, तो ये वेब है। तो इस तरीके से आप एक तो अपनी ऑटोमेटेड इंसाइट्स देख सकते हो, खुद भी क्रिएट कर सकते हो, दूसरा उन सवालों के जवाब जान सकते हो जो आपके बिजनेस को ग्रो करने में आपको और ज्यादा इंसाइट देने के अंदर हेल्प करेंगे। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आया होगा, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे। दोस्तों अगर आप कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज हमारी एजेंसी से लेना चाहते हो, या फिर आप डिजिटल मार्केटिंग कोचिंग ट्रेनिंग लेना चाहते हो हमसे, तो आप हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पर जा सकते हो, हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और दोस्तों हमने डिजिटल मार्केटिंग का एक ग्रुप बनाया है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, उस पर जाइए, ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। वहां पर डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, मैनेजर्स, एंटरप्रेन्योर्स, प्रोफेशनल्स आपको मिलेंगे। वहां पर आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज लोगों को बांट सकते हो, वहां की जो नॉलेज है वो आप अपने पास ले सकते हो। तो एक डिजिटल मार्केटिंग के लिए हमने प्लेटफॉर्म बनाया जहां पर सबको एक दूसरे से फायदा हो। तो तुरंत डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे जाएं, ज्वाइन करें। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।